अज मैं समझदा कि माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगुवाई दे विच पंजाब दे अंदर जिहड़ा पंचायती चोणां दा प्रोसैस चल रहा वो अपने सिखर ते आ और मैं समझदा कि लोकतंत्र दी सब तो मुढ़ली कड़ी जिहड़ी आ जिथों आम जन मानस ने अपनी समस्या लैके जाना हुंदा उहने साडियां पंचायतां। सो पंचायतों के इलैक्शन हो रहे हैं समुचे पंजाब के अंदर और ये इलैक्शन पंजाब के अंदर उस वेले हो रहे जदों मैं समझदा भी जिहड़ा वो पुराना समा जदों लोग पंचायतों की चोणां तुसीं देखते हाँ तो कई किस्म के दबा कई किस्म के प्रैशर कई किस्म के धक्के बेइंसाफियां लोगों नाल हुंदियां सीगियां। सो पंजाब के अंदर इन्हां चोणां नूं लै के माननीय मुख्य मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने पहलों ही एक गल जिहड़ी वो कैबिनेट दे विच पास करा के साफ कर दित्ती सीगी कि पिंड दा कोई भी सरपंच किसी पार्टी दे चोण ते निशान ते नहीं लड़ेगा। सो वो गल क्लीयर करके पिंड दा सरपंच पिंड दे लोगों दा होएगा सांझा होएगा। सो मैनू खुशी है कि हलका भोआ ते समुचा जिला पठानकोट जिथे चोण प्रक्रिया बहुत ही शानदार ढंग नाल चल रही है और अज 23 पिंडां दे मतलब सरपंच विधानसभा हलका भोआ दे 23 पिंडां दे लोगों ने अपने सरपंच जिहड़े सर्वसम्मति नाल चुने आ। तुसीं देख रहे हो मेरे सज्जे पासे मेरे खब्बे पासे लोगों ने बिना किसी मतलब दबाव तों बिना किसी प्रैशर तों अपने पिंडां दीआं पंचायतां नूं सर्वसम्मति नाल चुने आ। सो इहदे दो लाभ ने, एक तां माननीय मुख्य मंत्री जी वल्लों ऐलाने गए 5 लाख रुपया इन्हां पंचायतों नूं मिलना पिंडां दे विकास लई, ते मेरी भी खास तरजीह होएगी इन्हां पिंडां नूं क्योंकि जिन्हां सर्वसम्मति कीती है मेरी भी ड्यूटी बनती है पिंडां नूं वध तों वध फंड दित्ते जाणगे आने वाले दिनां 'च। और मैं एक गल नाल होर एक गल कहनी चाहुंदा कि 1100 तों उपर जिहड़े पंच ने उह जिला पठानकोट दे अंदर सर्वसम्मति नाल चुणिया गया 1100 तों उपर, ते 34 पंचायतां चुणियां गईआं ने जिहदे विच 23 पंचायतां थल्ले हल्के भोई दीआं। सो इन्हां सब नूं सरपंचां नूं मुबारक जिन्हां नूं लोगों ने चुनिया, इन्हां दे पिंडां दे लोगों नूं भी मुबारक जिन्हां ने अपनी सूझबूझ दा सियाणप दा प्रगटावा करदे होए जिहड़ा सर्वसम्मतियां कराईआं ने। सो मेरा हलका भोआ जिथे मैं पहलों ही बिना किसी पक्षपात तों पिंडां दीआं पंचायतां नूं पैसे दित्ते आ, मैं ना पोलिटिकली पक्षपात करदा ना मैं विकास दे उत्ते पक्षपात करदा और चोणां दे दौरान भी मैनूं इस गल दा माण है मैनूं खुशी है इस गल दी कि हल्के भोए दे विच्चों एक भी दरखास्त मैं किसी कैंडीडेट की रद्द नहीं करवाई। उल्टा सगों ये कहा अफसरां नूं कि जे किसी के कागजां 'च कोई उणताई है कोई घाट कमजोरी है तो उन्हों बुला के प्यार नाल दूर कराओ तां जो हर बंदा चोणां 'च हिस्सा लै सके। जिस तरह पिछले समय के अंदर हुंदा सी कि विरोधियां पार्टियां दे कागज रद्द कराने विरोधियों नूं चोणां तों बाहर धक्कना, तो ये सारिया गल्लां मेरे नाल खुद वापरियां ने। कटारू चक्क दे लोग बड़े चंगी तरह जानते हैं कि पिछली सरकार वेले भी जो कांग्रेसी गौरमेंट ही मेरे कागज रद्द कराने लिए अड्डी चोटी का जोर लाया, कल्ला मेरे ही नहीं बलसूआ और कई पिंड ने जिथे लोगों नूं घर बिठा दिता सीगा ते अपने सरपंच बनाती। सो मैनूं खुशी है कि पहली बार इतिहास के अंदर हल्के भोए दे विच्चों एक भी एप्लीकेशन किसी ने नहीं कट्टी और हर बंदा जिहड़ा चोण लड़ना चाहुंदा सी चोण प्रक्रिया 'च इनवॉल्व है शामिल है। सो आने वाले जिहड़े 4-5 दिन ने मैं समुचे हल्के भोए दे लोगों नूं बेनती करदा पठानकोट जिले दे नूं कि बिल्कुल शांति प्यार दे नाल भाईचारा बना के रखना। वोटां 15 तरीक नूं निकल जाणियां ने लेकिन एक दूजे नूं कहे होए शब्द सारी जिंदगी रड़कते रहिंदे आ, चोणां लड़ियां जाण प्यार नाल मुहब्बत नाल एक दूजे नूं मिलो एक दूजे नूं अपील करो और पठानकोट की यह परंपरा भी है जिले साडे दी। ते भोए दे अंदर मैं खास करके लोगों नूं बेनती करदा कि शराब पियाण वाले नशे वेचण वाले पैसे खर्चण वाले लोगों नूं वोटां भावें ना पाओ, उन्हां लोगों नूं वोटां पाओ जिहड़े लोग साफ सुथरे आ जिहड़े तुहानूं अपने चों लगदे आ जिन्हां नूं तुसीं सोखे मिल सकदे हो कल नूं। सो ये चोणां बिने नशे तों बिना शराब तों बिना पैसे तों रहित होण, चंगे ते ईमानदार लोग चुने जाण, पैसे खाने वाले सरपंच ना चुने जाने पिंडां दे अंदर। मेरी हल्के भोए दे लोगों नूं बेनती है। सो अज जिहड़े सरपंच चुने गए आ साडियां भैणां ने साडे भरा ने खास करके पिंड सरोटे तों साडी एक 22 साल दी कुड़ी
ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਖੁਦਾਈਪੁਰ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ, ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਅਨਮੈਰਿਡ ਨੇ। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਬਸ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਰਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਡੱਟ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।